हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 31 मार्च 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का सबसे पहला जो आर्टिकल आया हुआ है पीएफएमएस के बारे में, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर। कंटेक्स्ट ये है कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसने भी सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन है वो किए हैं डिजिटल वे में, क्योंकि गवर्नमेंट को इसका मेन मोटो ये था कि डिजिटल ट्रांजेक्शन को हमें प्रमोट करना है। तो हम इसके बारे में दो चार पॉइंट्स हैं वो जान लेते हैं जो यूपीएससी बेसिक पूछ सकती है। देखो, एक बात तो ये है कि जो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको समझ में आ गया। बट इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्रांच है, जो है शाखा है, वो है इसकी, वो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो इसको एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव करेगा इसका काम, और बाकी इसको जो इंप्लीमेंट किया गया है वो किया गया है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो ये एक बेसिक पॉइंट आप इसके बारे में ध्यान रख लेना। अब इसके हम काम वगैरह की तरफ फोकस कर लेते हैं। इसका देखो मेन काम है वो ये है कि हमारे देश में जो भी ट्रांजेक्शन किया जाता है ना गवर्नमेंट वगैरह के थ्रू, उन ट्रांजेक्शन को डिजिटल वे में किया जाए, ताकि डिजिटल ट्रांजेक्शन होंगे तो उसमें पारदर्शिता भी रहेगी और करप्शन वगैरह होने के चांसेस कम रहेंगे। इसी के साथ जो किसानों को जो सब्सिडी वगैरह दी जाती है बैंकों में पोस्ट ऑफिस के थ्रू, उसमें भी इसका काफ़ी बड़ा योगदान होता है, वो भी डिजिटल वे में वो की जाती है। मतलब किसानों को जो भी सब्सिडी मिलती है या फिर ज़रूरतमंदों को जो भी गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट सब्सिडी दी जाती है, जैसे गैस वगैरह पे, सिलेंडर वगैरह, वो सारी सब्सिडी भी इसके थ्रू है वो दी जाती है। और ये एक तरीके से एंड टू एंड ना सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ताकि पेमेंट को ढंग से रेगुलेट भी किया जा सके, उनको ट्रैकिंग वगैरह भी की जा सकती है, मॉनिटरिंग, और इसके साथ उनकी काउंटिंग वगैरह भी की जा सकती है। डिपार्टमेंट कौन सा वो हमने देख लिया कि जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो था कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यहाँ पे आया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में। तो देख लेते हैं इस प्रोग्राम के बारे में क्या है। यह एक नीति आयोग का प्रोग्राम है। सबसे पहला पॉइंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बन जाता है कि नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है, नीति आयोग का एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में यह प्रावधान रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई हमारे देश के लगभग 115 जो काफ़ी बैकवर्ड जिले ना कि जिनकी हालत काफ़ी खस्ता हो रखी है, मतलब वहाँ पर वाटर की प्रॉब्लम है, इसके साथ वहाँ पर सैनिटेशन का काफ़ी बड़ा इशू है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी डाउन है, इसके साथ देखा जाए तो वहाँ पर एजुकेशन वगैरह भी नहीं है, मतलब हर एरिया में वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। उन जिलों की हालत है वो सुधारी जाएगी, उनको एक्चुअली रिनोवेट किया जाएगा, उनमें जो भी कमी है उनको दूर करना है। इसके लिए ये प्रावधान किया गया नीति आयोग के द्वारा कि भाई जो जिले काफ़ी बैकवर्ड है ना वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, उनके अकॉर्डिंग स्कीम लेके आएगी। जैसे कई जिले हैं वहाँ पे पानी की समस्या है तो गवर्नमेंट वहाँ पे पानी की सप्लाई की अकॉर्डिंग स्कीम लेके, कुछ जिले ऐसे हैं कि वहाँ पे सैनिटेशन का इश्यू आ रहा है, वहाँ पे और तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग स्कीम हो चलाई जाएंगी। क्योंकि देखो सब जो जिले हैं उनकी सेम प्रॉब्लम नहीं है, हर की अलग अलग प्रॉब्लम्स है, तो उनके अकॉर्डिंग उनकी स्कीम्स हैं वो बनाई जाएंगी, और एक तरीके से जो भी स्कीम है ना गवर्नमेंट के द्वारा और भी लेके गई उन स्कीमों के बीच एक तरीके से सिंक्रोनाइजेशन है, समन्वय है वो स्थापित किया जाएगा, ताकि उनको रैंकिंग वगैरह देते हुए आपस में कंपटीशन है वो बढ़ाना। क्योंकि रैंकिंग का फायदा यह देखो ये हो जाता है, जब भी रैंकिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है तो आपस में एक तरीके से बोलते हैं ना एक अलग सा ही उत्साह आ जाता है स्टेटों के बीच में या जिलों के बीच में या फिर इंडिविजुअल लोगों के बीच में भी। तो इसलिए जो भी जिले हैं वो सोचेंगे कि यार इस बार हमारी रैंकिंग 10 रही है, तो अगली बार हम कोशिश करेंगे कि हम 8वें नंबर पे हैं, 9वें नंबर पे हैं। तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, अपने एरिया में डेवलपमेंट की जैसी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा प्रोजेक्ट है उनको और ज़्यादा जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, ऑल ओवर जिले हैं उनकी हालत है वो सुधर जाएगी, और जो भी गवर्नमेंट का मेन मोटिव वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बस आप ये ध्यान रखना कि नीति आयोग का यहाँ पे एक प्रोग्राम है जो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है काम, जैसा देखा कि जो बैकवर्ड जिले हैं उनकी हालत सुधारने के लिए इस पर फोकस है वो किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है इनसाइट्स के बारे में, क्या है इनसाइट के बारे में। इनसाइट का मतलब है इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सेस्मिक इन्वेस्टिगेशंस जियोडरी एंड हीट ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्चुअली यह एक नासा का ही एक मिशन है, ये आप ध्यान रखना कि इनसाइट का मतलब है कि नासा का भाई एक मिशन है। काम क्या है, ये मून के ऊपर एक्चुअली रिसर्च या स्टडी करने के लिए बनाया गया है, सॉरी मार्स के ऊपर, ध्यान रखना मून नहीं मार्स के लिए बनाया गया है, ताकि मार्स के ऊपर जो भी गैस वगैरह है, डस्ट वगैरह है या फिर हीट वगैरह है, उन सब के बारे में डीप इंटीरियर तरीके से स्टडी हो करेगा। मतलब काफ़ी गहन स्टडी के लिए मार्स के ऊपर चलाया गया मिशन है नासा के द्वारा। बस ये आप पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना कि इनसाइट एक नासा का मिशन है जो कि मार्स के ऊपर भेजा गया है। काम क्या है, काम ऑब्वियसली वहाँ पर रिसर्च स्टडी करने के ले जाएगा, तो जो वहाँ पे गैस बननी है, जो डस्ट के गुब्बारे वैक्यूम वगैरह होती हैं, हीट वगैरह होती है, उन सब के बारे में स्टडी करने के लिए ही है लॉन्च किया गया। तो ये आप ध्यान रखना कि मार्स मिशन के लिए किस किस के लिए द्वारा स्टार्ट किया गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है अपना वो आता है पोलियार ट्राइब के बारे में। एक्चुअली यूपीएससी ट्राइबों के बारे में क्वेश्चंस पूछती रहती है, तो इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कंटेक्स्ट देखो ये है कि पोलियार ट्राइब है ना
उसको हमारे देश में पहले जो रिजर्व फोर्स होते ना उनकी एक्सेस नहीं होती थी, मतलब उनको जो रिजर्व फोर्स है हमारे देश में उनको वहाँ पे यूज जो भी उनकी लकड़ियाँ वगैरह वहाँ पे उनके रिसोर्स वगैरह को यूज करने की परमिशन नहीं होती थी क्योंकि वो रिजर्व एरिया में आते थे इसलिए। बट अभी गवर्नमेंट ने अनुमति दे दी है, इनको अलाउ कर दिया है कि भाई आप जो पोलियार ट्राइब है ना वो भी रिजर्व फॉरेस्ट का हिस्सा है और वो भी रिजर्व फॉरेस्ट को यूज़ वगैरह कर सकती है, क्योंकि ऐसा भी ये चीज़ प्रूव हो गई है कि जो पोलियार ट्राइब है ना वो स्टार्टिंग से फॉरेस्ट में रह रही है, तो इसलिए फॉरेस्ट राइट है उनके खुद के, तो इसलिए उनकी गवर्नमेंट हस्तक्षेप वगैरह नहीं कर सकती। बस यही बात है कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है इनका एक्सेस मिल गया पोलियार ट्राइब को, तो ये वहाँ के रिसोर्स वगैरह को यूज वो कर सकती है। क्योंकि देखो जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं ना, जो आरक्षित फॉरेस्ट होते हैं, वो हर किसी के लिए खुले नहीं होते हैं, वो केवल गिने चुने लोग हैं जो वहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड जो ट्राइब रहती हैं मेनली उन्हीं के लिए वहाँ पे वो खुले रहते हैं ताकि बायोडाइवर्सिटी का नुकसान है वो नहीं हो। तो आप पोलियार ट्राइब देख लेते हैं गाकी, वैसे नाम से तो समझ में आ रहा होगा कि साउथ में, क्योंकि ऐसे नाम वहीं पर होते हैं अडियार इस तरीके के, तो ये एक्चुअली तमिलनाडु के एक तो कोडिकनाल कोडिकनाल हिल और इसके साथ ही एक हिल और है वहाँ पे, वो है सिरुमलाई हिल। तो कोडिकनाल हिल और सिरुमलाई हिल वाले एरिए में ही पाए जाते हैं, ऐसा उम्मीद की जाती थी कि स्टार्टिंग में लोग ना गुफा की तरह रहते, गुफा बना के उस वाले एरिया में रहते थे। तो आप ये ध्यान रखना कि तमिलनाडु के एरिया में पाए जाते हैं कोडिकनाल और जो सिरुमलाई हिल है उस वाले एरिया में, और रिजर्व फॉरेस्ट का उनको एक्सेस है वो दे दिया गया। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है चिपको मूवमेंट के बारे में। कंटेक्स्ट तो एक्चुअली ये था कि गूगल ने जो चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था इंडिया में अभी लेटेस्ट वाला, उसको लेके 45 ईयर कंप्लीट हो गए, तो उसके बारे में एक प्रोग्राम चलाया था। तो हम एक्चुअली चिपको मूवमेंट जो पहले था हिस्ट्री में, काफ़ी पहले हमने पढ़ा भी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो आज़ादी के बाद 1970 में हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेनली यहाँ पे आज़ादी के बाद जो 1970 में चिपको मूवमेंट हुआ था उसके 45 साल के कंप्लीट होने के बाद ही इसको यहाँ पे लेके आ गया है। देखो 1970 में हुआ क्या था, आपको बताइए गंगा रिवर है वो बनी थी भागीरथी और अलकनंदा से। जो अलकनंदा रिवर है ना वो एक्चुअली आपको बताया कि उत्तराखंड वाले एरिया से आती है, तो उस वाले एरिया में हुआ क्या था कि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेड़ हैं वो काट दिए थे, मतलब फॉरेस्ट कटर ने पेड़ काट दिया था। अब इसलिए अलकनंदा रिवर में आई बाढ़ और वहाँ पे हुआ क्या, काफ़ी नुकसान होगा, काफ़ी गांव है वो सबमर्ज हो गए पानी वगैरह में, ये इश्यू हो गया था। तो इसके बाद वहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया गया था, ये आप देखना गढ़वाल हिमालय, जो गढ़वाल रेंज जब आपको बताया कि उत्तराखंड में आते हैं, तो उस वाले एरिया में फॉरेस्ट को बचाने के लिए मूवमेंट हुई थी। ये गढ़वाल हिल ही आती है मेनली उत्तराखंड के जो चमोली जिला है वहाँ पे, उस वाले एरिया में, तो वहाँ पे मूवमेंट चलाई गई थी बाकी फॉरेस्ट को हमें बचाना, इस तरीके के पेड़ों के चिपके वाली सीन हुआ था। ये ध्यान रखना 1970 में एक्चुअली वहाँ पे अलकनंदा रिवर में बाढ़ आने की वजह से ही लोगों ने इस तरीके का इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। अब देखो ओरिजिनल जो चिपको मूवमेंट है ना वो हुआ था राजस्थान में, जो हुआ था 18th century, मतलब 18वीं शताब्दी में हुआ था चिपको मूवमेंट। वो क्या गया था, अमृता देवी जो एक लेडी थी उनके द्वारा इसकी स्टार्टिंग है वो की गई थी। इसमें हुआ क्या था, जो ये बिश्नोई कमेटी होती है राजस्थान में, इन्होंने फॉरेस्ट लवर के नाम से एक्चुअली जाने जाते हैं, इन्होंने क्या कि फॉरेस्ट के चारों तरफ अपने आपका कवरेज दिया था और जो भी वुड कटर थे उनको एक्चुअली मना किया था, और मतलब एक तरीके से प्रमोट किया था लोगों को ताकि वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन की तरफ स्टेप है वो उठाए। तो ये इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखना कि जो ओरिजिनल चिपको मूवमेंट है वो राजस्थान में हुआ था 18वीं शताब्दी में, बिश्नोई कम्युनिटी है उसके द्वारा, जोधपुर वाला जो एरिया है उस वाले एरिया में मैंने इसकी स्टार्टिंग वो हुई थी। तो इसलिए यह न्यूज़ में रहता है, काफ़ी बार कई बार आ भी जाते हैं इसके बारे में न्यूज़ वगैरह। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है एक्चुअली कड़कनाथ, एक जो मुर्गे की एक प्रजाति है उसको लेके आए, क्योंकि इसको एक्चुअली अभी जीआई टैग है वो दिया गया है, मध्य प्रदेश में एक्चुअली मेनली पाया जाता है। और इसको फेमस क्यों होता है कड़कनाथ मुर्गा, यह कड़कनाथ जो मुर्गा होता है यह एक्चुअली इसका कलर है वो ब्लैक होता है, और इवन इसका जो चिकन होता है जो मीट होता है उसका कलर भी ब्लैक होता है, तो इसीलिए काफ़ी पॉपुलर होता है। और इसको भी जीआई टैग दिए गए, और यह मेनली जो आता है जिले जो एमपी का एक जिला है उसका नाम है झाबुआ जिला, तो झाबुआ जो जिला है इस जिले में मेनली ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो मतलब वहाँ का एरिया ज़्यादा पॉपुलर है, बाकी एमपी के काफ़ी सारे एरिया में पाए जाते हैं। देखो जो ये कड़कनाथ जो मुर्गे की स्पेसीज है यह एक्चुअली ब्लैक चिकन के लिए तो पॉपुलर है ही, अब इसमें क्या बेनिफिट होते हैं इसके, मेनली यूपीएससी मेनली पूछ सकती है, इसके में लो कोलेस्ट्रॉल होता है इसके मीट में, इसके साथ इसमें हाई प्रोटीन हो पाया जाता है, तो इसलिए इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, और इसके काफ़ी एक तरीके से कड़कनाथ मुर्गे के नाम पर काफ़ी मिसयूज़ होता है कि भाई जो गलत चीज़ें वो बेचती जाती हैं, तो इसलिए इसको जीआई टैग वो दिया गया। अब देखो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना कि जीआई टैग है वो कौन सी मिनिस्ट्री और कौन सा डिपार्टमेंट है वो प्रोवाइड करता है, क्योंकि जीआई टैग के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, तो आप इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आज आपका एक क्वेश्चन तो यही होगा कि जीआई टैग है वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च है, वो क्या जाता है, कौन सी डिपार्टमेंट है वो आपको यहाँ पे बताना है। अब चलते हैं थोड़े आज के कुछ क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो काफ़ी ईजी है, वो आपको बताना कि ग्रीन गोल्ड किससे रिलेटेड है। ग्रीन गोल्ड ये एक्चुअली नाम आता है न्यूज़पेपर में काफ़ी बार, तो ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं।
पहला ऑप्शन है वो एक्चुअली आप यहाँ पे आ जाता है कि जो भी गोल्ड होता है, मतलब एक तरीके से जिसको प्योरीफाई नहीं किया गया उस गोल्ड को कहते हैं, या फिर एक तरीके से जो वेस्ट वाटर होता है उसमें जो शैवाल होते हैं उनको ग्रीन गोल्ड कहते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है वो है कि जो बांस की खेती होती है उसको ग्रीन गोल्ड कहते हैं। तो आपको तीनों में बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, फिर तीनों के तीनों ही गलत है। देखो इसका ऑप्शन है वो लास्ट थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि जो बांस की खेती होती है बम्बू की उसको एक्चुअली ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है कि बांस अगर खेतों के अंदर उगाया जाता है तो वो एक्चुअली पेड़ की लिस्ट में नहीं आता है, क्योंकि अभी जो फॉरेस्ट एक्ट है उसमें चेंजेस किए गए हैं। तो ये आपको इस ध्यान होना चाहिए कि जो बांस है वो अगर जंगल में उग रहा है तो वो तो पेड़ की लिस्ट में काउंट होगा, और अगर वहीं किसान लोग अपने खेतों में उगा रहे हैं तो वो एक्चुअली पेड़ की लिस्ट में नहीं होता है, तो किसान लोग उसका प्रोडक्शन वगैरह कर सकते हैं, उसको काट पीट सकते हैं, तो इसलिए भी न्यूज़ में भी था। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है नेशनल वाटरवेज के बारे में। नेशनल वाटरवेज के बारे में आपको बताना है, तीन स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनना। पहला स्टेटमेंट ये है कि नेशनल वाटरवेज है ना, इसे नेशनल वाटरवेज एक्ट है उसके तहत स्थापित किया गया था, ये तो पहला है। दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि नेशनल वाटरवेज है वो इंडिया में पांच है, केवल पांच नेशनल वाटरवेज है इंडिया में। तीसरा स्टेटमेंट है वो ये है कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी है ना, वो एक्चुअली भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, वो इनको रेगुलेट करता है, वो इनको कंजर्वेट करता है। तो आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो आपको समझ में आ गया होगा कि नेशनल वाटरवेज है वो पांच ही नहीं है, ज्यादा है। अभी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा दे दिया, मेनली छह तो मेन मेन ही है, इसके अलावा बाकी भी हैं, 100 से ज्यादा है। तो ऑब्वियसली सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। फर्स्ट और थर्ड है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नेशनल वाटरवेज एक्ट है उसके तहत इनको बनाया गया है, इसके साथ ही नेशनल वाटरवेज इनलैंड अथॉरिटी है वो इनको रेगुलेट वगैरह करती है, इनको सिलेक्शन वगैरह करती है। ये था हमारा क्वेश्चन, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको ये बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने इकोनॉमी में कुछ रिफॉर्म वगैरह किए हैं या नहीं किए हैं। पहला स्टेटमेंट तो ये है, और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे देश के अंदर एंटी डंपिंग ड्यूटी को हटाया जाता है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसमें इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा। ध्यान से सुनना, पहला स्टेटमेंट तो यह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए सुधार कर रही है हमारे देश की गवर्नमेंट ताकि इकोनॉमी आगे जा सके, और दूसरा स्टेटमेंट यह है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी को गवर्नमेंट हटा देगी तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा। दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए हमारे देश में गवर्नमेंट काफी प्रावधानी स्कीम लेके आ रही है, बेसिक सा हो गया। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आप ढंग से सुना, स्टेटमेंट ये था कि एंटी डंपिंग ड्यूटी को अगर गवर्नमेंट हटा रही है तो उससे हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट घटेगा उससे। क्यों घटेगा? एंटी डंपिंग ड्यूटी हटाने का मतलब क्या हुआ कि जो फॉरेन से जो भी चीजें आ रही हैं वो और सस्ती हो जाएंगी, जो कि डंप हो जाएगा, जैसे किसी चाइना हमारे देश में कई बार स्टील को डंप करता है, तो मतलब क्या होगा, हमारे घरेलू देश की इंडस्ट्री है वो पतन में चली जाएंगी, मतलब उनका लॉस होगा। तो ऑब्वियसली वहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कैसे, घटेगा वो। तो इस तरीके से सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे सही है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।